अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में खुशांदीदा। आज हमारे साथ है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। ठीक है, ये प्री लोडर मोड में इसकी आईमी रिपेयर नहीं होती और इसकी आईमी आप चेक कर सकते हैं। तो हम इसकी ओरिजिनल आईमी रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये ना मीटा मोड में होता है, ना CM2 में, UMT में, किसी भी टूल में आज तक नहीं हो रहा। ठीक है, इस डेट तक। तो इसका मैं आपको वर्जन दिखाता हूँ। ये एंड्रॉयड 12 वर्जन में है। अबाउट फोन में जाएंगे, देखिए ये X65 मॉडल है, 12 वर्जन एंड्रॉयड। और ये आप सिक्योरिटी लेवल चेक कर सकते हैं, अप्रैल 2022, ठीक है, 2023 सॉरी। तो इसका हम आईमी रिपेयर करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल आईमी है। पहला आईमी आपने चेक की कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अभी पहले मोबाइल को ऑफ कर दें। सिंपल सा सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही इसमें ट्रैक है कि उस ट्रैक पे हम काम करेंगे। सही, आफ्टर सेल सर्विस में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। आपने इसका फुल वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है, फुल वर्जन डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको मसला होगा। ये देखिए ट्रांसिशन आफ्टर सेल सर्विस है, इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्टेड डिवाइसेस, अब इसमें कोई बटन बगैर दबाए आप कनेक्ट कर दें मोबाइल को और मोबाइल मीटा मोड में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए मोबाइल मीटा मोड में चला गया। अब यहाँ एक ट्रैक है, वो आपने अप्लाई करना है। अभी ये देखिए हमारा प्रोसेसिंग जारी है। और ये देखिए सॉफ्टवेयर में जो है ना, आफ्टर सेल में मोबाइल कनेक्ट हो गया। अभी आपने मोबाइल को डिसकनेक्ट करना है। ठीक है, आफ्टर सेल को ऑफ नहीं करना, पहले मोबाइल को डिसकनेक्ट करेंगे। पहले मोबाइल को डिसकनेक्ट करेंगे केबल से, और उसके बाद जो पीछे वाला सॉफ्टवेयर है आफ्टर सेल, उसको ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ अब हम इस सॉफ्टवेयर को डिसकनेक्ट ऑफ कर देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका मोबाइल रीबूट हो जाएगा। ठीक है, आपने मोबाइल को पहले डिसकनेक्ट करना है। ठीक है, CM2 में हम मीटा मोड लगाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, और यहाँ हम इसकी अपनी IME जो है वो मैं अभी राइट कर देता हूँ। फिर भी मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आफ्टर सेल में आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है तो आपने मोबाइल को कंप्यूटर से डिसकनेक्ट करना है। उसके बाद आपने आफ्टर सेल प्रोग्राम ऑफ कर देना है, उसको मतलब कैंसिल कर देना है। उसके बाद अपने मोबाइल पे जो है ना आईमी रिपेयर करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम आईमी राइट करेंगे। ये देखिए ये जो पहले इनसे आप चेक कर सकते हैं, 35, 52, 34, यही आईमी मोबाइल में अब राइट होगी। अभी हम रिपेयर पे जाएंगे। ठीक है, रिपेयर पे क्लिक करेंगे और मोबाइल को कनेक्ट किया है हमने। अभी ये मोबाइल को कनेक्ट कर देगा क्योंकि पहले ही से ये देखिए मोबाइल कनेक्ट हो गया हमारा। 6761 CPU है इसमें, और ये इसकी 00 IME आ गई जो पहले से ख़राब है, और ये दूसरी IME इस पर अपडेट हो गई है। अब मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल को डिसकनेक्ट कर दें और पावर के साथ वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप दोनों बटन एक साथ थोड़ी देर के लिए दबाए रखें। तो यहाँ पे ये रिबूट हो जाएगा नॉर्मल मोड में। ये देखिए हमारा मोबाइल रिबूट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा मोबाइल। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, अभी ये थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा मोबाइल। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसका मतलब आईमी अपडेट हो चुकी है या नहीं। मीटा मोड में भी मोबाइल को थोड़ा सा ऑन होने दें। जो मोबाइल प्री लोडर में कनेक्ट होता है और उसकी आईमी रिपेयर नहीं होती तो आप आफ्टर सेल के साथ इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए वही मोबाइल है, सेम टू सेम। अभी मैं आपको इसकी आईमी चेक करवा देता हूँ।
ये देखिए इसकी मोबाइल बिल्कुल वही रिपेयर हो गई जो हमने रिपेयर करनी थी। अभी इसका मॉडल चेक करें, वही सेम मॉडल वही मोबाइल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।